जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर के अंदर मंदिर बना करके रखते हैं और वहां पर अपने इष्ट देवी देवता की तस्वीर, मूर्ति या किसी और तरह से उनको वहां पर विराजमान करते हैं और नियमित आप सेवा पूजा भी अवश्य करते हैं। और ये अच्छी बात है घर के अंदर मंदिर का होना और एक विशेष स्थान पर रोज आपका पूजा पाठ करना, ये अच्छी बात है और इससे घर में सकारात्मक माहौल अवश्य रहता है। लेकिन दर्शकों, बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं और घर में बाल स्वरूप के कृष्ण को विराजमान करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन दर्शकों, जब भी आप इस तरह की कोई चीज करते हैं, किसी और को देख करके या किसी और से पूछ करके, या आपके मन में भाव है, श्रद्धा है और आप ये करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है, यदि आप किसी विशेष तरह के भगवान की पूजा या उनकी अवस्था यानी बाल गोपाल या उनको यदि आप अपने घर में रख रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग कौन सा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके क्या नियम है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यदि आप अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल को विराजमान करवाते हैं तो कुछ नियम आपको फॉलो अवश्य करने हैं। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को जब अपने घर में रखते हैं तो आप भगवान को बालक के रूप में अपने घर में स्थान दे रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप जब बालक स्वरूप में भगवान को अपने घर में रख रहे हैं तो आपको उनका लालन पालन, उनकी सेवा पूजा उसी तरह से करनी है जैसे हम बालक की करते हैं। अब जैसे बालक को तो कभी भी भूख लग सकती है, उसके लिए तो कोई नियम नहीं है कि सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर में लंच और शाम को डिनर करेंगे। तो ऐसे में लड्डू गोपाल यदि आपने अपने घर में रखे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 24 घंटे उनके सामने भोग अवश्य होना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह का भोग, माखन मिश्री हो, किशमिश हो या कोई ड्राई फ्रूट्स हो, किसी भी तरह का भोग आप उनके सामने जरूर रखिए और वो भोग लगातार उनके सामने रहना चाहिए। अगले दिन सुबह आप उस भोग को हटा लीजिए और फिर नया भोग उनके सामने रखिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को जब आप अपने घर में रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालक को कभी भी भूख लग सकती है और हमने भगवान श्री कृष्ण को तो बाल स्वरूप में अपने घर में रखा है तो उनके भोग की व्यवस्था हमको हमेशा अवश्य करनी है। उसके साथ में एक पानी का गिलास भी जरूर रखिए, क्योंकि भोजन और पानी तो बालक को कभी भी चाहिए हो सकता है और भगवान को भी कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो उसके लिए लड्डू गोपाल के सामने ये दोनों चीजें आपको अवश्य रखनी है। यदि और किसी भी चीज का भोग ना लगा पाए तो जो आपको अच्छा लगता है वही प्रसाद उनके सामने रखिए, आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा करते हैं वो बड़े स्वरूप में है तो उनके हम शयन और उनको जो सुबह हम उठाते हैं उनकी विधि अलग होगी। लेकिन जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करवाते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सुबह 7:30 से पहले उनको नहीं उठाना है, क्योंकि बालक देर तक सोता है और शाम को जल्दी सो जाता है। इसीलिए शाम को उनका शयन 5:30 तक आप अवश्य करवा दीजिए और प्रातः 7:30 या 7:15 से पहले उनको ना उठाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि घर में आपने लड्डू गोपाल को विराजमान कराया है तो उनको आप बाल स्वरूप मान करके बालक की तरह उनकी देखभाल अवश्य करेंगे। और दर्शकों, ऐसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर में भी भगवान को बाल स्वरूप में माना गया है, इसीलिए वहां पर सुबह की आरती 7:30 बजे यानी भगवान की जो मंगला आरती है वो 7:30 बजे और शाम के शयन की आरती 5:15 बजे होती है।
इसीलिए दर्शकों, यदि आप भी अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल को विराजमान कर रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान अवश्य रखिए, आपको आपकी भक्ति का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी भावना पवित्र है, बस आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। अगर ये नियम आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी भक्ति भी पूर्ण है, आपकी श्रद्धा भी पूर्ण है और आपकी की गई भक्ति का परिणाम भी आपको पूर्ण ही प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, यदि जिसे आप अपने घर के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी भक्ति के श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।